अगर 15 दिन का वेतन नियमित कर्मियों को मिला और 15 दिन का संविदा कर्मियों को नहीं मिला तो ये तो बिल्कुल घटिया बात है। आप भी अपनी कंपनी में अगर किसी को 15 दिन की छुट्टी देते हैं तो अगर इकाई देते हैं, अगर इकाई आप खुद स्वतः देते हैं कि मैं जो जून में छुट्टी था वो आप दूंगा, तो ये तय आप नहीं कर सकते कि एक बार जून में दे देंगे, एक बार जुलाई में दे देंगे, फिर एक बार कहेंगे अगली बार तो फरवरी में देंगे, फिर अगली बार हम सितंबर में देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। जो नॉर्म्स है उसके तहत ही करोगे। 15 दिन का वेतन आज रिलीज किया है बड़े लेटर बड़ा देके कि 15 दिन का आधे माह का, उन्होंने 15 दिन नहीं लिखा है, उसमें लिखा है 1/2 माह का वेतन रिलीज किया जा रहा है। आप इनके आर्डर पढ़ोगे तो हैरान रह जाओगे, 11.5 करोड़ रुपया रिलीज किया गया, बड़ा एहसान कर दिया अनुदेश को। जी शिव कुमार मिश्रा जी, पहले तो मैं विक्रम सिंह और अपने अनुदेशक भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मेरी बात का अगर कुछ बात बुरी लगती हो तो पहले तो मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। आपकी लड़ाई में मैं लगातार आपके साथ हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि आपकी लड़ाई का मतलब ये है कि आपका मानदेय बढ़ाना आपका जो मुद्दा है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, पर आपका जो मेन मुद्दा है उससे मैं हमेशा से सहमत रहा हूँ और सरकार से अपील की गई है। आप अगर चाहें कि उसके एवज में मैं सरकार को गाली गलौज करने लगूँ, कोई ऐसी अपशब्द भाषा का प्रयोग करने लगूँ या बोलने लगूँ कि पुरानी सरकारें अच्छी हैं, तो वो अपना अपना मत है। किसी को यह सरकार बेहतर लग सकती है, किसी को दूसरी सरकार बेहतर लग सकती है। मुझे लगता है आपके लिए सारी सरकारें एक से थी, चाहे ये हो, चाहे पहले वाली हो, चाहे इससे पहले वाली हो। इस सरकार में कम से कम एक उम्मीद तो जागी हमको कि हमारा शायद कुछ काम बने, कुछ हमारे एटलीस्ट जो डायरेक्शन हमको दिख रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। बाकी अन्यथा अगर हम देखें, आपकी लड़ाई तो काफ़ी लंबे समय से चल रही है, तो मुझे लगता है कि अगर ये सरकार के नज़रिए से देखें कौन सी सरकार आपके लिए बेहतर होती, तो मुझे लगता है ये सरकार हो सकता है आपके लिए बेहतर साबित हो। और वैसे बोलते हैं कि अंत भला तो सब भला, तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपका अंत भला हो जाए। रही बात वेतन काटने की, मैं पहले ही बोला ये अनैतिक है। सबसे बड़ी चीज़ तो इनका वेतन ही अनैतिक है। अब उसमें क्या काटो, अनैतिकता में आप कितनी अनैतिकता घुसा लोगे? जो चीज़ पहले से ही अब्सोल्यूट अनैतिक है, अब्सोल्यूट अनएथिकल है कि इनका जो वेतन है 7,000-9,000 वेतन, अब उसमें आप उसी को आप उसमें 10 अनैतिक चीजें और घुसा लो, अनैतिक तो अनैतिक ही रहेगा। तो जो कुछ उसके इन एंड अराउंड हो रहा है वो सब अनैतिक है, सब सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और मुझे सुनील कौशिक सर का बहुत अच्छा सुझाव लगा कि सर झटका तो दो। मैं तो एक बार पहले भी अपील किया था, तब लोग मुझसे शायद इन लोगों की बात नागवार गुजरी थी, मैंने कहा था आप कम से कम आप खुद रिजाइन नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपने साथियों से अपील तो कर सकते हो कि आने वाले समय में अगर कोई अनुदेशक या शिक्षाविद की भर्ती निकलेगी तो हम में से कोई अप्लाई नहीं करेगा, 0 फॉर्म भरो। आप बोले नहीं नहीं ऐसा किसी का मौका लग सकता है, कोई नौकरी मिल सकती है तो कोई अप्लाई क्यों ना करे। तो मेरा भी मुझे भी लगता है कि आपको भी ये लड़ाई में पूरे दिल से नहीं है अभी भी। अगर पूरे दिल से होती, अगर आपको लगता है, आपको भी एक तरीके से लगता है कि शायद हो सकता है कि 7,000-9,000 जो है वो बाकी दिन पर दिन परिश्रम करने से बेहतर हो, इसलिए आप उस नौकरी में अभी भी आस लगाए हो। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ही एब्सोल्युटली गलत है तो बहुत बढ़िया सुझाव है, आप सब लोग सामूहिक या तो रेजिग्नेशन दो या सामूहिक एटलीस्ट ऑफर करो कि भैया लो हम आपको अपना 1 महीने का वेतन देते हैं, जिसको भी चाहिए। हालांकि मुझे लगता नहीं कि कोई अधिकारी ऐसे खुल के सामने आएगा इसके लिए, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। बट लेट्स सी, चलिए सब लोग रिश्वतखोरी पे मत उतर आइए, सरकार के सीधा सीधा रिश्वतखोरी मत दे दीजिए और थोड़ा सा